हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रियंका शर्मा। आप सब लोग कैसे हो? अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। हाँ, अभी मैंने वीडियो बनाया था साजिद जी बिग बॉस के ऊपर, और मैं तो क्या देख रहे हैं हम सब लोग, क्या देख रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं शो वाले हमको। मैं बिग बॉस के फैन हैं भाई हम, मैंने ऑडिशन भी दिया है 15 का, नहीं हुए सेलेक्ट। वो सेलेक्ट हो कैसे जाएंगे भाई? साजिद जी बिग बॉस जैसे लोग इतने बैठे हैं तो कैसे सेलेक्ट हो जाएंगे? कैसे आगे चला जाएगा कोई बंदा भाई? उनसे नहीं जा सकता। अपना सुशांत जा रहा था, नहीं जाने दिया ना उसको, मार दिया इन लोगों ने। आज ऐसे ही इन्होंने, अच्छा शो जा रहा था बिग बॉस की टीआरपी भी अच्छी आ रही है इस बार तो, लेकिन खुद की शो की खुद ही बैंड बजा रहे हो बिग बॉस। कितनी बार बोले आपसे, कितनी बार? क्यों डर लगता है क्या आप लोगों को, या सलमान खान को, साजिद जी बिग बॉस हैशटैग महाराज को कुछ बोलने से? आपने सुंबुल को पनिशमेंट दी, हिम्मत नहीं थी साजिद जी बिग बॉस हैशटैग महाराज को देने की? नहीं थी हिम्मत, तभी तो आपने ये सब किया ना, सुंबुल को पनिशमेंट दी। आइडिया किसका था भाई चिट डालने का? आपके महाराज का ना, उसको देते ना पनिशमेंट, उसको करते ना फायर। उसको करने की बजाय आप सुंबुल को टारगेट किया आपने। वेरी बैड, इतनी पार्शलिटी, इतनी शर्म आनी चाहिए बिग बॉस आपको। जनता देख रही है तो कम से कम इतना तो सोच लो। यही BB16 पे ही आपका शो खत्म नहीं हो जाएगा, आगे भी आएंगे। आपके सेलिब्रिटी भी आने से पहले 10 बार सोचेंगे अब तो। क्योंकि मुंह पे कोई कुछ बोल नहीं सकता, उन्हें उस इंडस्ट्री में रहना है, काम करना है। वो कुछ बोल देंगे तो भाई आप तो उन्हें इंडस्ट्री से ही गायब कर दोगे, काम ही नहीं मिलने दोगे। तो वो अपने पैरों पे तो कुल्हाड़ी मार नहीं सकते ना, इसलिए खुल के बोल भी नहीं सकते। बट हाँ, वो आपके शो में आने के लिए आपका ऑफर रिजेक्ट जरूर कर सकते हैं। अगर उनमें थोड़ी सी इंसानियत होगी, या वो भाई फेम के ही लिए आ रहे हैं तो फिर आ जाएंगे आपके शो में, सीजन 17 में भी आ जाएंगे, कमा लेंगे नेम फेम। बट अगर किसी के अंदर थोड़ी बहुत भी लॉयल्टी या थोड़ी बहुत भी शर्म होगी अपनी इज्जत की, तो वो कभी नहीं आएंगे आपके शो में। एक आम जनता आपके शो को देखती है, लेकिन फिर आप क्या कर रहे हो? पब्लिक के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो आप, अपने कलर्स के जो फेस हैं आप, तो उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो भाई। घर में और सदस्य हैं, आपको हर एक सदस्य की चीज़ दिखाई देती है, सब कुछ दिखाई देता है, बस एक साजिद जी बिग बॉस का आपको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं। अर्चना को धमकी दे रहा है तुझे शो में रहना है कि नहीं, हमें नहीं पता। वो एक प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, फराह खान का भाई है, तो वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। निकाल दो ना अर्चना को, और वैसे भी निकाल दिया था तो वापस क्यों लाए? नहीं लाना चाहिए था,
आपके साथ जिज्जी बिग बॉस हैशटैग महाराज को तो वो पसंद ही नहीं है ना। आज उसके कपड़े फेंक दिए गए, क्या क्या क्या, मतलब वो क्या चाहते हैं कि कोई भी महिला उसके सामने बोले नहीं? ऐसे मीटू के आरोपी को आप सपोर्ट कर रहे हो? मेरे चेहरे से आपको गुस्सा नज़र आ रहा होगा। और पब्लिक अगर इस वीडियो को देखती है तो उसको भी समझ में आएगा। ऐसे इंसान को प्लेटफॉर्म दिया है MC Stan, जिसे औरतों की इज्जत करना नहीं आता, मीटू का आरोपी, उसको प्लेटफॉर्म दे रहे हो। प्लेटफॉर्म दिया है तो फिर प्लेटफॉर्म की तरह ही दो ना। पार्शलिटी किस बात की कर रहे हो बिग बॉस? मैं तो सलमान खान को भी बोलना चाहूंगी, बहुत बड़ा नाम है, पैसा है, गाड़ी है, भाई सब कुछ है आपके पास, आपको नहीं है जरूरत किसी चीज की। पर इतनी पार्शलिटी, या फिर बिग बॉस में उसको लेके आए हो साजिद को, काय का जी काय का महाराज, क्या है वो, दो कुड़ी का घटिया इंसान है एक नंबर का। उस घटिया इंसान को आप लोग इतना प्रमोट कर रहे हो, इतना आपके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है? सेलिब्रिटियों के घर में भी तो माँ बहन बेटियां होती हैं ना, या आपकी माँ बहन बेटियां आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती हैं? सबके लिए रखती हैं। पहली बात तो ऐसे बंदे को प्लेटफॉर्म देना ही नहीं चाहिए था, और अगर आप लोगों ने दिया है ये प्लेटफॉर्म तो आपने गलत किया है। और दिया, पहले तो देना ही गलत था और दिया है तो कम से कम इतना सपोर्ट तो मत करो बिग बॉस। उसका चेहरा साफ नज़र आ रहा है पब्लिक को, जिस तरीके से वो धमकी देता है, मेरे सामने उंगली उठा के बात नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, मेरे को डिसरेस्पेक्ट नहीं बोलोगे। तो भाई क्या अपनी ऐसी तैसी कराने आए थे इस शो में? इस शो में तो मार पिटाई भी हो जाती है, गाली गलौज भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर नहीं आना चाहिए था आपको। प्लीज जो भी इस वीडियो को देखें मुझे कमेंट करके बताएं कि जो मैं बोल रही हूँ वो मैं सही बोल रही हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का साथ होगा तभी मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। नहीं तो ये भी जैसे और महिलाओं के साथ जो हो रहा है, शर्लिन चोपड़ा बयान दे रही है और अदर दे रहे हैं, ऐसे ही बयान देते रह जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। पर रिक्वेस्ट है, अगर अगर कोई महिला मेरे इस वीडियो को देखती है तो सपोर्ट करे। सपोर्ट करोगे तभी अपनी आवाज़ आगे तक जा पाएगी, और जिन महिलाओं के साथ गलत हुआ है उन्हें इंसाफ मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।